तो हेलो भैया के साथ सभी दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रैकेट स्टूडियो यूट्यूब चैनल के एक और अमेजिंग वीडियो में। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले रोटेशन रैकेट ट्रिक्स के बारे में। सो गाइस लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने बताया था उसमें कि आप कैसे रोटेशन रैक को इजिली प्रैक्टिस करके उसमें मास्टर बन सकते हो। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से जाकर देख लेना। तो चलिए इस वाले अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन रैकेट शॉट मारने के लिए फायर बटन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको फायर बटन को कुछ इस तरह प्लेस करना है कि फायर बटन के राइट साइड में एंड देन ऊपर की तरफ थोड़ा सा जगह हो, जिससे कि आप फायर बटन को ड्रैग कर पाओ और ड्रैग करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। और भाई जैसे ही आपने फायर बटन को आपने प्लेस कर दिया, उसके बाद आपको इमेजिन करना है फायर बटन के ऊपर एक सर्कल है जिसमें कि आप रोटेशन रैक ट्राई कर रहे हो, मतलब उस सर्कल के बॉर्डर में रोटेशन रैक आप ट्राई कर रहे हो। उस टाइम अगर आपका कोई भी दूसरा बटन नहीं टैप होता है तो उस वाले फ्लेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपका फायर बटन का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा खासा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फायर बटन का साइज अपने उंगली के हिसाब से रखना है, इससे आप अपने फायर बटन को इजीली ड्रैग कर पाओगे। तो रोटेशन ट्रैक करते टाइम अपने एम को एनिमी के हेड के ऊपर लॉक करने के लिए हमारा सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब यार आप कहते हो कि कौन सा सेंसिटिविटी रखे कि रोटेशन ट्रैक अच्छा खासा वर्क हो, तो आपको सिंपली से सेंसिटिविटी पे जाना है। उसके बाद नीचे रीसेट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट कर देते हो उसके बाद सारे के सारे सेंसिटिविटी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली से आपको जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर देना है और रेड डॉट को छोड़ के सारे के सारे सेंसिटिविटी को आप जितना रखते थे उतना ही रख देना। अब यार यहाँ पर मेरा रेड डॉट का सेंसिटिविटी प्रोवाइड किया गया है मेरे फ़ोन के हिसाब से 85%। आपका कुछ और भी हो सकता है, वो वाला सेंसिटिविटी आपके फ़ोन के हिसाब से बेस्ट रहेगा। उसी सेंसिटिविटी में आपको प्रैक्टिस करना है हेडशॉट मारने का। अब यार इसी सेंसिटिविटी में क्यों? क्योंकि वो वाला सेंसिटिविटी आपके फ़ोन के हिसाब से एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है। अब यार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और समझना है कि रोटेशन ड्रैग करते टाइम इस सेंसिटिविटी में शॉर्ट रेंज पे कितना ज़्यादा ड्रैग करना पड़ता है और लॉन्ग रेंज पे कितना ज़्यादा ड्रैग करना पड़ता है एंड देन मिड रेंज पे कितना ज़्यादा ड्रैग करना पड़ता है। अब यार इस चीज़ को आप जैसे ही समझ जाते हो तो आपका हर एक शॉट वन शॉट ही लगेगा, या फिर कह सकते हो हर एक शॉट रोटेशन ड्रैग शॉट ही लगेगा। तो भाई यार अब हम बात कर लेते हैं कि आपको रोटेशन ट्रैक को कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यार रोटेशन ट्रैक करने से पहले आप एनिमी के पास जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, जिगजैग मूवमेंट करते हुए एनिमी के पास जाना है या फिर सीधा रन करते हुए जाना है। लेकिन आपको ध्यान देना कि आपको एनिमी हेडशॉट ना मार दे। अब यार आपको क्या करना है, गन स्विच करके जंप लेना है। जंप लेने के बाद आपका करेक्टर जैसे हवा में पहुँच जाता है और आपका करेक्टर जमीन की तरफ पहुँचता है, उस टाइम आपको अपना एम को एनिमी के बॉडी के आसपास सेलेक्ट कर लेना, मतलब सेट कर देना है, और आपका एम हमेशा वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपका करेक्टर जैसे हवा से नीचे आता है उस टाइम आपको कर देना है ड्रैग। अब यार आपको ड्रैग कुछ इस तरह करना है जैसे कि आपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इस एंगल की तरह। आप जैसे इस एंगल की तरह ड्रैग कर दोगे तो आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर लॉक हो जाएगा और एनिमी को लग जाएगा रोटेशन ड्रैग शॉट। अब यार ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रोटेशन ड्रैग शॉट एकदम से लगना स्टार्ट हो जाए, आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए रोटेशन ड्रैग शॉट का ट्राई करना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो यार अगर आपको नहीं पता कि रोटेशन ड्रैग को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है तो यार लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आप थ्री फिंगर में स्विच होना चाहते हो तो यार राइट वाले वीडियो पर जरूर से क्लिक करना।